डीजीआई चंद्रचूड़ से देखी नहीं गई महिलाओं की तकलीफ। चीफ जस्टिस ने तुरंत उठाया बड़ा कदम। देश की इंसानियत की मिसाल। सीजीआई चंद्रचूड़ महिलाओं के पक्ष में लिए गए अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। किसी ने कोर्ट में महिला वकील को कमतर बताया तो सीजीआई हत्थे से उखड़ गए थे। महिला सशक्तिकरण के लिए सीजीआई के फैसले को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। देश के वकीलों जजों पर लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन महिला वकीलों की क्या हालत है इसका अंदाजा आपको इस खबर में लग जाएगा। इस खबर को जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक सर्वे के मुताबिक देश के 100 से ज्यादा जिला अदालत में महिला टॉयलेट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को एक वकील ने अर्जी लगाते हुए बताया कि ऊटी तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला टॉयलेट सील कर दिया गया है। इससे महिलाओं को खासी परेशानी हो रही यह जानकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैरान रह गए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, रजिस्ट्रार को फोन मिलाइए। वकील की बात सुनकर सीजीआई भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, मुझे डिस्ट्रिक्ट जज से बात करने दीजिए, हम इस मामले को 28 अप्रैल को या 24 अप्रैल को ही सुनेंगे। इसके बाद सीजीआई अपने कोर्ट स्टाफ की तरफ मुखातिब हुए और कहा, रजिस्ट्रार जनरल को फोन मिलाइए, वो आपको कारण बताएंगे कि महिला टॉयलेट क्यों बंद किया गया। 26% अदालतों में नहीं है महिला टॉयलेट। सुप्रीम कोर्ट लगातार न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट का इंतजाम करने को कहता रहा है, लेकिन आलम यह है कि देश भर के 1/4 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट है ही नहीं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में बताया था देश भर की 26% अदालतों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट है ही नहीं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को यह जानकारी दी थी। दरअसल राज्यसभा एमपी एस निरंजन रेड्डी सरकार से पूछा था, क्या उन्हें जानकारी है कि जिला स्तर की ज्यादातर कोर्ट में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट है ही नहीं और इसकी वजह से कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रिजिजू ने इस सवाल में बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने ऐसा कोई डेटा तैयार नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कोर्ट में सुविधाओं को लेकर एक डेटा तैयार किया है, जिसके मुताबिक 74% कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लेडीज टॉयलेट हैं, जबकि 26% में ऐसा नहीं है। सरकार ने दलील दी, न्यायपालिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 9,000 करोड़ का भारी भरकम बजट। इसी दौरान कानून मंत्री ने बताया था, न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार 1993 से 1994 से एक योजना संचालित कर रही है और इसके जरिए राज्य सरकारों की मदद की जा रही है। इस योजना की अवधि 2021 से 2022 से बढ़ाकर 2025 से 2026 तक कर दिया गया है और कुल 9,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है, जिसमें 5,307 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। क्या है देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालात? कुछ वक्त पहले ही जुडिशियल रिफॉर्म पर काम करने वाले थिंक टैंक विधि ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टॉयलेट को लेकर एक सर्वे किया था, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। विधि की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 665 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 100 से ज़्यादा ऐसे थे जिनमें महिला टॉयलेट था ही नहीं, और जिनमें था उनमें से भी महज 40% ही संचालित थे। ये राज्य हैं सबसे फिसड्डे। विधि की रिपोर्ट में जिन राज्यों में सबसे खराब हालत पाई गई थी उसमें गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम शामिल थे। इन राज्यों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर महिला टॉयलेट संचालित ही नहीं थे।